नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अस्पताल में भर्ती हो गए हैं? जी हाँ, यह सच है। 22 मई को बुधवार शाम 4 बजे के करीब शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें डिहाइड्रेशन और खांसी की समस्या थी। शाहरुख खान अपनी टीम KKR के क्वालिफायर 1 मैच के लिए अहमदाबाद में थे। 21 मई को KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालिफायर राउंड में अपनी जगह बनाई थी। उसके बाद अचानक से किंग खान की तबीयत बिगड़ने लगी। ये साल की गर्मी बहुत तेज है और कई लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। शाहरुख खान भी इसके शिकार हो गए। शाहरुख की तबीयत के बारे में सुनकर गौरी खान पति को देखने के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को ओ ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट किया। उनका इलाज किया गया और उन्हें ग्लूकोज भी चढ़ाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वे अभी भी अस्पताल में ही हैं। यह देखना बाकी है कि शाहरुख खान कब तक अस्पताल में रहेंगे और क्या वे KKR के क्वालिफायर 1 मैच में अपनी टीम का समर्थन कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शाहरुख खान जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।